नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 14 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे पोल्यूशन से संबंधित न्यूज है। कुछ दिनों पहले दिल्ली और एनसीआर रीजन में पोल्यूशन की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को, यानी ईपीसीओ को, कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार कीजिए ताकि दिल्ली और एनसीआर के रीजन में पोल्यूशन की समस्या को कम किया जा सके। उसके बाद ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने सभी सोर्सेज को कंसीडर किया, चाहे वो व्हीकल से निकलने वाला एमिशंस हो, इंडस्ट्री से निकलने वाला एमिशंस हो, पावर प्लांट्स, वेस्ट बर्निंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, पोल्यूशन के जो भी सोर्स हैं सबको कंसीडर किया ईपीसीए ने और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार किया ताकि दिल्ली और एनसीआर से पोल्यूशन की समस्या को खत्म किया जा सके। इस कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान में मेजर्स भी थे, शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, मीडियम टर्म मेजर्स थे और लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो गवर्नमेंट उठा सकती है पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई नहीं किया, गवर्नमेंट ने इस कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान को एडॉप्ट नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि आप ईपीसीए के द्वारा जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसे नोटिफाई कीजिए और विद इन द टाइम लिमिट सोर्सेज की मैपिंग कीजिए ताकि जो पोल्यूशन की समस्या है उसे कम किया जा सके। ये पूरा आर्टिकल है। तो देखो, अगर सरकार ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो ईपीसीए के द्वारा दिया गया है इसे सरकार अपनाती है तो 74% जो एमिशन है दिल्ली और एनसीआर रीजन में वो कम किया जा सकता है। और जो ये अथॉरिटी है एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, 1998 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि आप एक स्पेशल कमेटी का निर्माण कीजिए, स्पेशल कमेटी जो कि सिर्फ और सिर्फ होगी दिल्ली और एनसीआर रीजन के लिए ताकि इस रीजन से पोल्यूशन की समस्या को खत्म किया जा सके। तो 1998 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमेटी का बनाया था, इस कमेटी को कंस्टिट्यूट किया था। तो ये जो कमेटी है एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई थी 1998 में। ये पूरा आर्टिकल है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कालवरी सबमरीन के बारे में है। नेवी ने औपचारिक रूप से आज कालवरी सबमरीन को अपने फ्लीट अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ऑलमोस्ट 20 सालों बाद नेवी ने किसी मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन को अपने फ्लीट में शामिल किया है। इससे पहले जुलाई 2000 में नेवी ने आईएनएस सिंधु शास्त्रा को अपने बेड़े में शामिल किया था। कालवरी नाम क्यों है इस सबमरीन का? क्योंकि देखो, एक डीप सी टाइगर शार्क है उसका नाम है कालवरी, तो उसी के नाम से पड़ा है इस सबमरीन का नाम कालवरी। थोड़ी और डिटेल्स की बात करें तो ये जो सबमरीन है कालवरी सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पे आधारित है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और फ्रांस के साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था उसी के अंतर्गत ये सबमरीन बनाई गई है। जो पूरा नाम है प्रोजेक्ट का वो है P75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत में इस तरह की 6 सबमरीन्स का निर्माण हमें करना है। तो पहली सबमरीन है कालवरी सबमरीन, दूसरी है खांडेरी। उम्मीद ये है कि 2020 से पहले पहले प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत में 6 सबमरीन्स नेवी अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं कालवरी सबमरीन के बारे में, आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ट्राइलेटरल मीटिंग से संबंधित है। इंडो पैसिफिक रीजन के 3 देश, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तीनों देशों की ट्राइलेटरल मीटिंग होती है दिल्ली में और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज की जाती है। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि तीनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, मिलकर काम करेंगे मैरिटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में, डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज के क्षेत्र में। इसके अलावा जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ इशारा करते हुए यह भी कहा गया कि इस प्रकार के इनिशिएटिव के अंतर्गत चाइना के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टैब्लिश किए जा रहे हैं दूसरे देशों में वहां पे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, किस प्रकार से फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हो रही है, क्या चाइना के द्वारा सभी तरह के जैसे इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स या लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये बातें कही गई जॉइंट स्टेटमेंट में। इसके अलावा इस बात पे भी फोकस किया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी इस्टैब्लिश करने के लिए, स्टेबिलिटी इस्टैब्लिश करने के लिए और एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मेंटेन रखने के लिए एशियान का अहम रोल है। तो मतलब साफ है तीनों देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एशियान के साथ रिलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किए जाएं और एशियान के मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना को काउंटर किया जाए इस पूरे रीजन में। जैसे देखो, इंडिया ने एशियान के सभी देशों को, 10 मेंबर्स हैं एशियान के, सभी देशों को इनवाइट किया है अगले साल हमारे देश में 26 जनवरी को होने वाली रिपब्लिकन परेड के लिए। और इंडिया और एशियान का जो समिट होगा अगले साल जनवरी 2018 में, 25 जनवरी 2018 को, वो भी इंडिया में होगा। थीम होगी 3C, पहला सी कॉमर्स, दूसरा सी कनेक्टिविटी और तीसरा सी कल्चर। तो 3C थीम होगी इंडिया और एशियान समिट के लिए जो आयोजित होगा अगले साल इंडिया में 25 जनवरी 2018 को। तो ये मैप में देखिए,
इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे, तीनों देशों की ट्रायलेटरल मीटिंग हुई दिल्ली में। अब एक और इशू आता है, देखो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक ट्रायलेटरल हाईवे पर पोस्ट है, मोरे इंडिया में है, इंडिया से मांडले म्यांमार तक जाएगा, उसके बाद ये खत्म होगा माइसोट में जो कि थाईलैंड में है। हाईवे का नाम है IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे पर पोस्ट है अभी। तो इंडिया जब अगले साल देखो एशियन के साथ इंडिया का समिट होगा 25 जनवरी 2018 को, तो इंडिया इस बात पर चर्चा करेगा कि अभी जो ये ट्राइलेटरल हाईवे है इसको एक्सटेंड किया जाए। अभी तो सिर्फ ये इंडिया से म्यांमार होता हुआ थाईलैंड जाता है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाए, थाईलैंड से ये लाओस और कंबोडिया से यात्रा करते हुए वियतनाम तक जाए तो काफी अच्छा होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसकी सहायता से इंडिया और भी ज्यादा डेवलप कर सकता है अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को और रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज के साथ में। तो इंडिया चर्चा करेगा एशियन समिट में कि क्या इस ट्राइलेटरल हाईवे को लाओस और कंबोडिया से होता हुआ वियतनाम तक ले जाया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? थर्ड एनुअल मीटिंग AIIB की मुंबई में होगी 2018 में। थीम होगी मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। तो अगर देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एशिया और पैसिफिक रीजन में प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देता है। चाइना के इनिशिएटिव के बाद में इसे बनाया गया था, 2016 में ऑपरेशन स्टार्ट किए AIIB ने। अभी फिलहाल मेंबर्स की संख्या है 58, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। चाइना, इंडिया और रशिया तीनों जो देश हैं वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं इस बैंक में। और एक बात याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस और जापान, USA और जापान फिलहाल मेंबर नहीं हैं इस बैंक के। ऑथराइज्ड कैपिटल है $100 बिलियन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। क्वेश्चन पूछा था UPSC ने 2016 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का? तो बीजिंग में हेडक्वार्टर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे PIB है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। न्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट आखिरकार होता क्या है। एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए मुझे दो पायलट के पेन खरीदने हैं, तो स्टेशनरी की दुकान पर मैं जाता हूं और दो पायलट के पेन खरीदता हूं, और जो पेमेंट मैं करना चाहता हूं वो डेबिट कार्ड की सहायता से करना चाहता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास में जो डेबिट कार्ड है वो है ICICI बैंक का, और स्टेशनरी वाले के पास जो मशीन है जिस पर मैं अपना कार्ड स्वाइप करूंगा वो मशीन है HDFC बैंक की। तो देखो दो पायलट पेन आएंगे ₹100 के, तो पूरी ट्रांजेक्शन जो है, इस पूरी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मेनली तीन एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहला एक्टर जिस बैंक का डेबिट कार्ड मैं यूज कर रहा हूं, ICICI बैंक, ये पहला एक्टर है। दूसरा एक्टर वो बैंक जो मर्चेंट को, यानी इस केस में स्टेशनरी वाले को, मशीन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें मैं अपना कार्ड स्वाइप करूंगा, यानी इस केस में है HDFC बैंक जो मशीन प्रोवाइड कर रहा है HDFC बैंक को, ये दूसरा एक्टर है। तीसरा एक्टर वीजा या फिर मास्टर कार्ड। ये जो वीजा या मास्टर कार्ड होते हैं ये नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, ये पूरी ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं ताकि पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली कैरी आउट हो सके। तो तीन एक्टर्स हैं इस पूरी ट्रांजेक्शन में। अब देखो मैं ₹100 जो स्टेशनरी वाले को दे रहा हूं, स्टेशनरी वाले को कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा HDFC बैंक को। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक जो है अपनी मशीन प्रोवाइड कर रहा है स्टेशनरी वाले को। तो हम मान लेते हैं कि ₹100 में से 0.40% जो है वो देना पड़ता है स्टेशनरी वाले को, उस बैंक को जिसकी मशीन वो यूज कर रहा है। तो ₹100 में से 40 पैसे देगा स्टेशनरी वाला HDFC बैंक को, और 40 पैसे जो मिलेंगे HDFC बैंक को उसमें से कुछ हिस्सा HDFC बैंक शेयर करेगा ICICI बैंक के साथ में, क्योंकि ICICI बैंक का डेबिट कार्ड यूज हुआ था, और कुछ पैसा शेयर करेगा HDFC बैंक नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ में जिसने इस पूरी ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट किया, वीजा या फिर मास्टर कार्ड। अब देखो पूरी ट्रांजेक्शन में जो मर्चेंट है, स्टेशनरी वाला है, कुछ परसेंटेज जितने की ट्रांजेक्शन है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है उस बैंक को देता है जिसकी मशीन वो यूज कर रहा है, उस परसेंटेज को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। समझ गए? एक तरह की फीस है, मर्चेंट मशीन को यूज करने के लिए जो फीस देता है उस बैंक को जिसकी वो मशीन यूज कर रहा है, उस फीस को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि RBI ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट से संबंधित कुछ नए रूल्स नोटिफाई किए हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे जनवरी 2018 से। RBI ने कहा है कि स्मॉल मर्चेंट्स, छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, उनके लिए
अगर कोई बैंक मशीन प्रोवाइड करता है तो मैक्सिमम जो है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट लिया जा सकता है 0.40%, यानी 0.40%। इससे ज़्यादा मर्चेंट डिस्काउंट रेट कोई भी बैंक नहीं ले सकता छोटे व्यापारी से जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है। और एक बिल पे जो मैक्सिमम पैसे लिए जा सकते हैं वह है 200। और वो व्यापारी जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, यानी बड़े व्यापारी, उनसे बैंक मर्चेंट डिस्काउंट रेट ले सकते हैं मैक्सिमम 0.90%। और एक बिल पे मैक्सिमम अमाउंट लिया जा सकता है 1000 रुपए। तो ये नए रूल्स हैं आरबीआई के। तो पूरा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया मर्चेंट डिस्काउंट रेट का। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म एंड कल्चर के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म एंड कल्चर ऑर्गेनाइज की ओमान में। लोकेशन आप देख लीजिए, ओमान की, मिडल ईस्ट में है ओमान, यहां पे देखिए ये है ओमान। तो दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर एंड टूरिज्म यहीं पे हुई। पहली हुई थी 2015 में कंबोडिया में। अब देखो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 1975 में। हेडक्वार्टर है स्पेन में। मकसद ये है कि विभिन्न कंट्रीज में टूरिज्म को प्रमोट करना, तो उसी मकसद से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा आप एक बात यह भी याद रखिएगा, 2017 जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2017 को डिक्लेयर किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म एंड कल्चर के बारे में। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। शुरुआत से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान को हमने डिस्कस किया जो कि तैयार किया गया है ईपीसीए के द्वारा, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए। कालवरी जो समरीन है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया की उसको डिस्कस किया। आईएमटी हाईवे के बारे में हमने डिस्कस किया। इंडिया और एशियन समिट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में डिस्कस किया। पीआईबी में हमने डिस्कस किया मर्चेंट डिस्काउंट रेट को। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म एंड कल्चर के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।